नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लौकी के पकोड़े बनाना सिखाएंगे। इसको घिया भी बोला जाता है। ये देखिए, यह इसको हमने अच्छी तरह छील के साफ कर लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर क्रश करेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह क्रश कर लिया है। इसको हमने निचोड़ना नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, इधर हमने बेसन ले लिया है पहले ही, और इसमें स्वाद अनुसार आपने नमक, लाल मिर्च, और क्या कहते हैं, काली मिर्च, जीरा, धनिया और थोड़े से जीरा, और ये धनिया, साबुत धनिया ले लेना है। इसके बाद हमने इसका जो बेस है इसके अंदर डाल देना है, क्रश किया हुआ। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो हमारी ये लौकी है इसके अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। अच्छी तरह इसको गूंद लेना है। ये देखिए, इसमें पहले ही पानी है, और पानी ऐड नहीं करना। और जो हमने ये मसाला लेके रखा हुआ है, सारा मिक्स करके इसके अंदर डाल देना। और इसके अलावा ये थोड़ा सा आप इसमें ये बेकिंग बेकिंग सोडा है, ये बिल्कुल एक चुटकी भर, वो भी डाल देना। और इसको अच्छी तरह मिला लेना। ये देखिए, हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसको यहाँ पे रख दो, और अपना कढ़ाई में घी देकर और इसको से जला दीजिए। अब जब तक घी गर्म होता है, तब तक हम इसके ये गोल गोल पकोड़े यानी पेड़े बना देते हैं, ताकि तलने के लिए। आप इसको जैसी भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, उसी शेप में ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, हमने इसके कुछ शेप्स बना लिए हैं। अब इसमें क्या करना है कि बेसन हमने कम ही रखना है, और ताकि घी ज्यादा होता है इसमें बेसन कम ही लगे, ताकि बेसन का टेस्ट ना आए। अब हमारा घी देखो गर्म हो चुका है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये पकोड़े तल रहे हैं। अपने जैसे ही रेड ब्राउन हो गए, वैसे हमने इसको बाहर निकाल लेने हैं। जैसे गैस कम कर देना है, और हमने ये घी के पकौड़े बने तैयार है। ये देखिए, ये पकौड़े तैयार है। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, आप इनको सॉस के साथ ले सकते हैं, आप इनकी ग्रेवी बनाकर आप सब्जी के साथ उपयोग कर सकते हैं, वैसे पार्टी में खा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी के ये घर बन जाते हैं, हाइजीनिक तौर पे तैयार हो जाते हैं ये घर, बहुत ही ईजी और कम रेट पे तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगता। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल में आते रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।